हेलो गाइस, होप्स आप सब लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। यहाँ पे आप मेरे हाथ में एक फिंगर साइज एक बहुत छोटा सा ऐसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर देख रहे होंगे। ये इसका नाम है जीनियाटेक XPI 35660। आई नो बहुत लंबा नाम है। तो इसकी मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देता हूँ, इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें जो मिलता है रॉक चिप का 3566 प्रोसेसर मिलता है क्वाड कोर पे 1.8 GHz पे, और 2 GB RAM इसमें जो करंटली मेरे हाथ में उसमें है, 2 GB RAM वाला है एंड अप टू 8 GB RAM LPDDR4 पे आती है। बाकी वही GPIO मिल जाएगा, वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सब इसमें मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इंटरफेस देख सकते हो क्या क्या मिल रहा है। IO पोर्ट्स में OTG मिल रहा है, एक पावर इन के लिए, एक अपना OTG के लिए है USB Type-C। बाकी यहाँ पे कैमरा कनेक्टर दिख रहा होगा आपको एंड यहाँ पे आपको एक ये HDMI का पोर्ट है। बाकी आपको 40 GPIO पिंस एंड इसकी जो एक गलत बात है, इसमें आपको कोई भी SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ इनबिल्ट स्टोरेज आती है जो कि इसमें अभी जो मेरे पास है उसमें 8 GB है एंड अप टू 128 GB तक आप इसमें अपग्रेड वगैरह कर सकते हो, मतलब वेबसाइट से ले सकते हो, सैंपल वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इसको करूंगा मैं टेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये ना मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ मैं इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह और थोड़े से रिव्यूज वगैरह। Debian 10 चलाया था मैंने इसके ऊपर एंड वाले टेस्टिंग वीडियोस नहीं देखे तो जाके चैनल पे नीचे जाके थोड़ा सा नीचे जाओगे ना चैनल पे तो वहाँ पे आपको इसकी वीडियोस मिल जाएगी कि मैंने इसमें फ्लैश कैसे किया था, रॉक चिप में फ्लैश कैसे करते हैं, रॉक चिप के प्रोसेसर वाले बोर्ड्स में वो सब मैंने बताया आपको। और इसमें Debian मैंने चलाया हुआ है, Debian की टेस्टिंग की थी एंड काफी हार्ड टेस्टिंग की थी इसकी एंड बहुत अमेजिंग बोर्ड है इस साइज के हिसाब से, इस साइज के हिसाब से ना बहुत पावरफुल बोर्ड है। तो आज की वीडियो में जल्दी से आपको दिखाता हूँ इसमें कि मैं क्या टेस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप एक नाम देख रहे होंगे, रेस्पबेरी पाई OS सिम्युलेटर। तो आज की वीडियो में मैं इसमें रेस्पबेरी पाई का OS डालूंगा, मतलब चाइना वाले, वो मैं क्या कहूँ, चाइना वाले कुछ भी करते हैं कि मतलब उन्होंने रेस्पबेरी पाई OS को कॉपी कर लिया एंड रॉक चिप के प्रोसेसर पे वो लोग चला रहे हैं रेस्पबेरी पाई OS। सो उन्होंने मतलब एक नया बिल्ड बनाया है रेस्पबेरी पाई का, फर्मवेयर इमेज यहाँ पे अपलोड कर रखा है, यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली रेस्पबेरी पाई OS का। तो बहुत यूनिक चीज तो है ही ये चीज कि एक आप उसमें कोई अदर ब्रांड का आप SBC है एंड उस पर एक रेस्पबेरी पाई OS इस पे चला सकता हूँ। तो Debian 10 पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, टेस्टिंग वगैरह कर चुका हूँ। सो Debian 11 था शायद, Debian 10 या 11 जो भी हो, बट आज की वीडियो में मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा रेस्पबेरी पाई OS इसमें कैसा चलता है, कितना स्मूथनेस है। और Debian 11 या मैंने जो टेस्ट किया था पहले Debian वाला, Debian का OS, Debian 10 था 11 था मुझे ध्यान से याद नहीं है, बट उससे कितना परफॉर्मेंस वाइज इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है या फिर सेम ही है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू कि कैसे इसका सेटअप रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत छोटा सा, मेरे को कैमरे में भी एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है माइक्रो HDMI बोलते हैं इसको, एक माइक्रो HDMI 2 फुल साइज HDMI रहने वाला है ये कुछ इस तरीके से। सो मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज है, मैं अपना एक कीबोर्ड यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ यूजिंग एक OTG केबल। सो ये कुछ इस तरीके से इस वाले पोर्ट में चल जाएगा। नेक्स्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं इसका ही ओरिजिनल अडेप्टर यूज कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से इसको चार्जिंग के लिए लगा के रख देता हूँ बस। तो यहाँ पे मैं इसका ओरिजिनल अडेप्टर यूज कर रहा हूँ जो इसके साथ आया था। सो अगर आपने वो ओरिजिनल अडेप्टर नहीं देखा तो आप वो मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो, अनबॉक्सिंग वाली, अराउंड 6-7 महीने पहले वो वीडियो डाली थी मैंने। तो उसमें मैंने सब कुछ बताया था क्या क्या स्पेसिफिकेशन है सब कुछ, वो जाके आप वीडियो देख सकते हो उसके लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्पबेरी पाई लाइक OS यहाँ पे लिखा आ गया है। सेटअप आप मेरा देख सकते हैं यहाँ पे कैसे सेटअप किया हुआ है मैंने। HDMI मैंने यहाँ से लगा रखी है, अपने डायरेक्ट मॉनिटर से लगाई है क्योंकि मेरा जो ये कैप्चर कार्ड था, आई डोंट नो इस कैप्चर कार्ड की मदद से वर्क नहीं कर रहा है, मतलब और SBC में तो ये वर्क कर रहा है कैप्चर कार्ड, बट इस वाले में काम नहीं कर रहा है। तो मुझे अभी इसको डायरेक्ट ही प्लग इन करना पड़ा मॉनिटर से एंड यहाँ पे आप मेरा यहाँ से कनेक्शन देख सकते हो, ये अडैप्टर का कनेक्शन है। बाकी मैंने कीबोर्ड माउस कॉन्फ़िगर कर दिया और यहाँ पे डिस्प्ले भी आ चुकी है। डिस्प्ले पूरी आपको ओरिजिनल वही मिलेगी जैसे आपको रेस्पबेरी पाई OS में मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ही वही है। तो जल्दी से मैं फोन को ही सेटअप करता हूँ और उसके बाद जल्दी से आपको चीजें दिखाता हूँ। होप सो आपको अब डिस्प्ले क्लियर दिख रही होगी। तो चलो फिर थोड़ा बहुत आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कितना कैपेबल है ये। करंटली मैंने इसको भी वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ अपडेट्स आ रखे हैं, सो लेट मी जस्ट सी क्या अपडेट्स आ रखे हैं। ओके सो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर ऑन कर दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको शो हो रहा होगा 56.3 अभी चल रहा है एंड नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो CPU यूज हो रहा है। तो पहले मैं टेस्ट में करते हैं क्रोम थोड़ा बहुत चला के आपको दिखाता हूँ क्रोम में क्या परफॉर्मेंस आती है। देखो कितने जल्दी आराम से लोड हो रहा है, यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है बट मैं रिस्टोर नहीं करूंगा। यहाँ पे चलाते हैं सबसे पहले YouTube। आपको जब कोई बंदा ऐसा कोई बोर्ड लेता है, अगर सोच लेता है कि
डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह यूज करेंगे, तो मैं उस वे में आपको एक हाईएस्ट परफॉर्मेंस की तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कितनी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा आपको एज अ डेस्कटॉप यूजेज में, कि आप नॉर्मल टास्क वगैरह कितना कर सकते हो अगर आप ले रहे हो, लाइक आपको बिलिंग काउंटर के लिए लेना है या फिर किसी और पर्पज के लिए लेना है, कि मतलब छोटा मोटा आपको कंप्यूटर ही सीखना है, तो उस वे में आपको कितना ये टास्क मतलब करके दे देगा। मैं उस वे में दिखा रहा हूँ, ना कि यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम के लिए दिखा रहा हूँ या फिर किसी प्रोजेक्ट वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह मोर देन इनफ है ये मुझे लग रहा है कि मतलब ये अच्छा खासा पावरफुल है। तो यहाँ पे मैं देखो लोड हो गया बातचीत करते करते, यहाँ पे मैं अभी करंट लेटेस्ट वीडियो चलाता हूँ कि कितनी स्पीड वगैरह क्या 1080p में चलता है 720p में चलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली जब मेरे ड्यूरिंग में टेस्टिंग, मैं अभी पहले भी टेस्ट कर चुका हूँ इसको, तो ड्यूरिंग में टेस्टिंग 1080p थोड़ा सा लैगी है, बट 720p इसका फ्लुएंट है, आराम से आप 720p की वीडियो देख सकते हो, तो वहां पे कोई इशू नहीं आएगा। चलो मैं सेटिंग में जाके आपको दिखाऊं, अभी देखो 720p एट 50fps चल रहा है, अभी मैं इसको शिफ्ट करता हूँ 1080p पे एंड स्टेट फॉर नर्ड्स आपके लिए ऑन कर देते हैं यहाँ पे, और टास्क मैनेजर, और यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीयू यूज 100% पे जा रखा है, रैम यूजेज इतनी नहीं हो रही है यहाँ पे, ओनली 700-800 MB रैम यूजेज हो रही है, एंड लाइक जब मैंने 1080p पे इसको शिफ्ट किया तो 100% यूजेज हो रहा है, एंड यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो 74-75 डिग्री सेल्सियस चला गया है, तो वो भी तब गया जब मैंने एक DIY हीट सिंक इसमें लगा रखे, तब जाके 75-76 डिग्रीज पे जा रहा है, टच कर रहा है। अगर मैं वो हीट सिंक लगाता तो इसका 80-85 भी मैंने 90 तक टच करते हुए देखा है मैंने इसको, बट वो डेबियन पे टेस्ट किया था तब जा रहा था वो, बट इसमें क्या है ये 80 भी टच नहीं करेगा, लाइक हाँ 76-77 तक ये नॉर्मल रहता है 100% यूजेज पे, ज्यादा टेम्परेचर इसका नहीं जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार 100% यूजेज हो रहा है, वीडियो की स्मूथनेस आप देख सकते हो थोड़ा सा लैग वैग कर रहा है, बीच में इंटरनेट का भी बीच में लैग आ रहा है, कभी प्रोसेसर का लैग आ रहा है वो देख सकते हो। अब देखो मैं इसको 70 यहाँ पे देखो फ्रेम ड्रॉप्स आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट हाफ फ्रेम ड्रॉप्स ये कर रहा है, कि मतलब अगर 2000 फ्रेम्स दिए तो उसमें 1000 फ्रेम्स वो ड्रॉप कर रहा है। तो इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, देखो 480p पे शिफ्ट करते हैं, 480p की 30fps की वीडियो रहने वाली है, तो यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स में भी नहीं मिलने चाहिए। हाँ तो यहाँ पे देखो ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहे, यहाँ पे देख सकते हो 200 फ्रेम्स इसने शो कर दिए, बट सिर्फ और सिर्फ 18 फ्रेम्स ड्रॉप्स हुए, तो मतलब आप एवरेज लगा सकते हो कि 8-9% आपका फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, उससे भी कमी हो रहा है, बेसिकली 5% ही ये फ्रेम ड्रॉप कर रहा है 480p पे। तो 480p पे कुछ ये परफॉर्मेंस रहने वाली है। एक बार मैं 720 at 50fps देखो 50fps पे फ्रेम ड्रॉप्स करेगा, डेफिनेटली करेगा, ये जो 30fps वाली वीडियो होगी उसको स्मूथ चला देगा, बट हाँ देखो हाँ 720p इट्स लाइक स्मूथ है, थोड़े से फ्रेम ड्रॉप ज्यादा हो रहे हैं 480p से, बट हाँ ये वीडियो प्लेएबल है एट 720p, इट्स लाइक ओके डिसेंट है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो इट्स लाइक कूल। सो नेक्स्ट मैं आपको और दिखा देता हूँ, इसको बंद करते हैं, कि आपको ब्राउजिंग कैसे करके दे देगा, लाइक मैं विकिपीडिया आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ कि विकिपीडिया कैसे खुलेगा। तो लेट मी जस्ट एक बार विकिपीडिया देखते हैं, विकिपीडिया कितना स्मूथली खोल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक स्मूथनेस जो है, आप एक टैब, एक से दो टैब, लाइक मैं एक और टैब खोल लेता हूँ यूट्यूब का एंड कुछ और टैब्स भी खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप सीपीयू यूज देख सकते हो 40-50 आ रहा है, और रैम यूजेज ज्यादा नहीं है, अराउंड कम पे ही है, मतलब ज्यादा रैम यूजेज नहीं हो रही है, जबकि मैंने 5-6 टैब्स खोल रखे हैं, जिसमें एक यूट्यूब का है एंड विकिपीडिया का है। तो अगर आप इसको डेस्कटॉप की तरह यूज करना चाह रहे हो, कि आपको सिर्फ ब्राउजिंग करनी है, बेसिक ब्राउजिंग करनी है, आपको चीजें सीखनी है, तो हाँ डेफिनेटली इट्स लाइक कूल, आपको स्वीट स्पॉट देता है कि आप इसको ठीक से यूज कर पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाइट गुड इनफ कि आप चीज चला पाओ, चीजें मतलब चल जाएगी इसमें, ऐसे नहीं जो रेस्पबेरी पाई जीरो आता है, रेस्पबेरी पाई 02W आता है, उसमें तो चीजें चल भी नहीं पाती सही से, बट यहाँ पे देखो जीरो साइज होने के बावजूद स्मूथनेस आप देख सकते हो, कोई फायर फास्ट नहीं किया मैंने वीडियो को, फिर भी आप इसकी स्मूथनेस देख सकते हो, देखो कितना स्मूथली ये रन कर रहा है, यूट्यूब में जब खोल रहा हूँ बिल्कुल स्मूथली ये मतलब रन कर रहा है। यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो, टेम्परेचर अभी 74-75, मतलब ये 76-78 भी नहीं टच किया इसने अभी तक, 70-75 के आसपास ही चल रही है, तो टेम्परेचर भी कुछ ज्यादा हाई नहीं जा रहा है, बल्कि मैंने DIY वो हीट सिंक लगा रखा जो कि पैसिव है, एक्टिव भी नहीं है, अगर मैं एक्टिव इसमें लगा दूंगा तो ये 60 भी क्रॉस नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप ये बोर्ड ले रहे हो, लाइक मैं दिखा देता हूँ, अगर आप ये बोर्ड ले रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो, तो एक एक्टिव कूलर जरूर ले लेना, क्योंकि ये तो DIY है, तो तभी इतना लाइक परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि 71 अभी चला गया, 72 चला गया। सो एक एक्टिव कूलर जरूर लेना, ताकि इसमें आपको थ्रॉटल इशू ना आए, इसका टेम्परेचर इतना जा रहा है तभी लाइक इसका परफॉर्मेंस भी डाउन हो रहा है। यहाँ पे यूट्यूब देखो लोड हो गया, बहुत बहुत प्यार से लोड हो रहा है। सो अभी मैंने इसमें जो इसकी EMMC है
उसका मैं टेस्ट बेंचमार्क रन कर रखा है, एंड जो सीपीयू बेंचमार्क है मैं इसमें नहीं कर करके दिखा पाऊंगा कि मैंने सिस बेंच में बहुत चला के देख लिया, बट आई डोंट नो कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं सिस बेंच तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट अभी इसमें चल रहा है आपका ईएमएमसी का टेस्ट, स्टोरेज का टेस्ट, स्टोरेज बेंचमार्क ये निकाल के देगा कितनी रीड राइट स्पीड है, तो थोड़ी देर में ये हो जाएगा तो आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ सीधा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये कुछ इसके रिजल्ट्स आए हैं अपने ईएमएमसी के रीड एंड राइट स्पीड के, इसमें डिटेल लिखी हुई है और स्कोर वगैरह लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। जो एक इसमें मुझे लाइक नेगेटिव साइड बोलो या फिर डाउन साइड बोलो कि इस जो बोर्ड है ये जो यहाँ पे आप जीनियाटेक का एक्सपे 3566 देख रहे हो, इस बोर्ड में आपको लाइक ईएमएमसी अगर आप 2 GB का ले रहे हो लाइक सिर्फ 8 GB की आप इसमें ईएमएमसी स्टोरेज मिलती है, लाइक 2 GB आप रैम मिल रहा है, 2 GB रैम चलो इनफ है, वो उसका कोई इशू नहीं आ रहा, मैंने इनफ मतलब यूज किया है लाइक 100% उसको मैं यूज भी नहीं कर पा रहा इतना, मतलब रैम कस्ट लाइक इनफ है इसमें, बट जो स्टोरेज साइड है वो मुझे लाइक बहुत ज्यादा कम लगी एक्चुअल में, कि आप उसमें अगर 8 GB ही मिल रही है जिसमें से 3 या 4 GB तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ले जाता है एंड बाकी की आपको कुछ इसमें इंस्टॉल करने के लिए बचता ही नहीं है, सो ये एक मुझे थोड़ा सा इशू लगा है इस बोर्ड पे। तो एक बार मैं सीधा कंक्लूजन पे आ जाता हूँ, इसमें मैं ज्यादा चीजें टेस्ट तो कर नहीं पाया, लाइक मैंने आपको ब्राउजर चला के दिखा दिया, ब्राउजर वॉज क्वाइट स्मूथ, अगर आप लाइक स्टडी पर्पज या कंप्यूटर सीखने के लिए भी ले रहे हो लाइक $50 का आता है वो विद देयर अडेप्टर एंड लाइक उसमें सब कुछ अडेप्टर इंक्लूडेड आता है वो, बाकी बस आपको माइक्रो HDMI कन्वर्टर लेना पड़ेगा बस वही है, बाकी आप छोटा सा मॉनिटर लेके इसको यूज कर सकते हो, मतलब $50 लगा लो मतलब 4,000-4,500 रुपए का वो बोर्ड विद अडेप्टर आता है। सो अभी मैं कंक्लूजन एक बार दे देता हूँ कि क्या चीज रहने वाली है। सो अगर देखो किस चीज के लिए बना है मैं पहले बता देता हूँ, कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह ही बना रहे हो या फिर छोटी मोटी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो या फिर पाइथन या फिर मतलब जो भी पाइथन वगैरह है, ठीक है ये तो अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो एंड ज्यादा बजट नहीं है और कॉम्पैक्ट भी चाहिए तो यू कैन गो जा सकते हो इस तरफ, बाकी ब्राउजर वगैरह क्वाइट स्मूथ, आप इसमें 4 से 5 टैब आराम से ही यूज कर सकते हो, ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे आपको, और वीडियोज वगैरह के लिए कंजप्शन के लिए ले रहे हो तो 720p में आप इसको चलाओ आपको क्वाइट स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, ब्लूटूथ वाईफाई आपको दोनों ही इसमें मिलता है, बस एक डाउनसाइड क्या है इसमें जो स्टोरेज का इशू है थोड़ा सा, कि आपको 8 GB स्टोरेज की जगह पे लाइक 64 GB स्टोरेज मिल जाती है ना, तो लाइक इनफ रहता है वो कि आप इसको यूज कर पाओ सही से, तो थोड़ा सा स्टोरेज का साइड का इशू है, बाकी अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह एम्बेडेड सिस्टम वगैरह के लिए लेना चाहते हो तो इट्स लाइक क्वाइट गुड, इसमें आप इवन एनपीयू कोर्स भी आते हैं, वन टॉप्स पे आता है वो शायद, हाँ वन टॉप्स पे आता है या 3566 है ना, तो वन टॉप्स पे आता है 1 trillion operations per second पे आपको एनपीयू मिल जाएगा इसमें, सो थोड़ा बहुत AIML का काम करना चाहते हो या फिर एक लाइक सिक्योरिटी AI बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाहते हो या फिर अपने प्रोजेक्ट्स में किसी भी होम प्रोजेक्ट्स हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह में बनाना चाहते हो तो इट्स क्वाइट गुड। एंड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑन रास्पबेरी पाई, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा एक कॉपी तो जबरदस्त मारा है इन लोगों ने चाइना वालों ने कॉपी पूरा मारा है एंड क्वाइट स्मूथ एक्सपीरियंस 3566 रॉक चिप का इज क्वाइट गुड। 1.8 GHz का वो प्रोसेसर है 4 कोर पे एंड लाइक स्मूथनेस है भाई, लाइक अभी आपने वीडियो में पूरा वीडियो में देखा कि कितना स्मूथ ये चलता है एंड लोड भी बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक 30 सेकंड में आप इसमें पावर इन करो और ये लोड करके आपको डेस्कटॉप पे पहुंचा देगा, 30 सेकंड लगते हैं, बाकी सीपीयू वगैरह देख सकते हो बहुत मिनिमल है एंड टेम्परेचर देखो काफी डाउन हो गया क्योंकि सीपीयू डाउन हो गया तो टेम्परेचर भी 56 पे आ चुके हैं। सो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा इट्स लाइक स्वीट स्पॉट फॉर रास्पबेरी पाई 4। रास्पबेरी पाई अगर 4 सोच रहे हो, रास्पबेरी पाई 4 भी अराउंड $50 का आता है एंड ये भी $50 का आता है, बस ये थोड़ा सा छोटा है एंड इसमें आपको एनपीयू के कोर्स भी मिल जाते हैं, रॉकचिप का प्रोसेसर है तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी है, बट ये इतना पावरफुल नहीं है कि रास्पबेरी पाई 4 को कम्पीट कर पाए, लाइक मुझे तो नहीं लगा अपनी टेस्टिंग में, इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं था कि मतलब हाँ ये टक्कर दे सकता है रास्पबेरी पाई 4 को, इतना मैं कह सकता हूँ कि ये रास्पबेरी पाई 4 को टक्कर दे रहा है, बट हाँ ठीक है कह सकते हो। सो बाकी इसकी क्या क्या टेस्टिंग वगैरह चाहते हो सो वो कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियो वगैरह लेके आ जाऊँ इसके लिए। आज के लिए वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, बाकी मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, ये कुछ नया आया था तो मैंने चलो सोचा कि आपको दिखाते हैं कि ये नया चाइना वालों ने क्या कॉपी मारा है रास्पबेरी पाई के OS को, तो वही मैं बस आज के वीडियो में आपको दिखाना चाहता था। तो चलो फिर बाय। सो एंड अगर कोर को नहीं जानते तो कोर एक कीचेन रहने वाला है, कोर आप मेरे थ्रू खरीद सकते हो
ये इंटेल के प्रोसेसर्स मेरे पास सारे हैं एंड ये आप कोर किचन खरीद सकते हो मेरे थ्रू सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में एंड और क्या, जाके इंस्टा पे मेरे को डीएम कर देना, वहां से आप खरीद सकते हो कोर किचन को, बस कोर किचन लिखना, आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट, खरीद सकते हो आप लोग, आ जाना फिर इंस्टा पे बातचीत भी करेंगे वहां पे।